जिला ऊना मुख्यालय के टक्का रोड पर स्थित प्रेम आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त राकेश प्रजापति ने शिरकत की। के बाद 100 साल की उम्र में आज भी दिव्यांगजनों के लिए समर्पित रहते हैं। केला गांव से देखने का नजरिया है, अगर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी सभी को योग किया जाए तो हर इंसान में 100% है, कोई भी इंसान पीछे नहीं है। और यही वजह है कि कभी हम डिसेबल्ड बोलते थे, हैंडीकैप बोलते थे, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कुछ लोगों से पीछे रह जाते थे, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हम आपसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे दिव्यांग। दिव्यांग इसलिए कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे शारीरिक या मानसिक से अगर पीछे हैं, तो किसी न किसी क्षेत्र में आप आगे हैं, जिसकी कल्पना या तो हम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं या हमें पता नहीं है, लेकिन सब के सब हम परिपूर्ण हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैं मूवी देख रहा था, हम एक सामाजिक प्राणी हैं हम सब के सब, और अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हम लोगों को साथ लेकर नहीं चलना सीखते, अकेले में कुछ भी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मूवी देख रहा था तो उसमें बताया गया, ये आज़ादी के समय की कहानी थी कि आज़ादी से पहले हम कई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतते रहे, आज़ादी के बाद कैसे हमने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, इस पे आधारित ये कहानी थी। और उस कहानी में एक चीज़ जो मेरे को बहुत मेरे दिल को जो छू गई वो ये थी कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और हमारे एक पूरी एक जो टीम हुआ करती थी वो खुद भी विभाजित हो गई, जब हमारे पास 4 या 5 प्लेयर्स बस बचे और उसके बाद एक टीम तैयार करने की बात आई, तो अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग बड़े शानदार प्लेयर्स थे, लेकिन एक पूरी टीम इकट्ठा होने में बड़ा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा के साथ तनु जसवाल की रिपोर्ट।